और नमस्कार जी, राम राम। क्या आपको पता है कि ओटीटी को ओटीटी क्यों बोलते हैं? और थारो ना पता है, और थारो ये भी ना पता है कि मैं ऐसे क्यों बोल रही आसी। ओहो, अरे पॉप कल्चर में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं भाई। आन तो जितने भी इन्फ्लुएंस आने हैं, जितने भी हमारे कल्चरल हिस्ट्री को और हेरिटेज को यूज करना है। बेसिकली जैसे कुछ दिनों पहले यूपी बिहार की चली थी एकदम रेलगाड़ी, आप चाहे मिर्जापुर ले लो, पंचायत ले लो, और गैंग्स ऑफ वासेपुर कौन भूल सकता है। दैट वॉज दी अल्टीमेट किक स्टार्टर ऑफ दी भोजपुरी, नॉट कंप्लीटली भोजपुरी बट द ईस्टर्न बेल्ट कल्चर डोमिनेंस इन आई वुड से पैरेलल सिनेमा। लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं कि मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि थारो ना पता हो ओटीटी क्या होता है, थारो को मैं बताता हूं, और वो भी 5 मिनट के अंदर। ये घुमा दिया हमने अपना आवर ग्लास। और आपको बताते हैं, दो सीरीज आई हैं अभी, जिनका मैं अलग अलग अभी ही आपको रिव्यू भी थोड़ा दूंगा। थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओटीटी शोज में स्पॉइलर अलर्ट की क्या बात है। अगर आपने बिंज वॉच कर लिया तो आपको स्पॉइलर पता ही चल जाएंगे जल्दी से, और अगर आप धीरे धीरे भी देखते हैं तो आपको पता है कि अंत में रुचि आपकी मेंटेन रहेगी। सास बहू और फ्लेमिंगो और दहाड़ में दोनों फीमेल लेड एकदम शोज हैं। एंड मैं बोलूंगा दहाड़ मैंने अभी पूरी, मतलब उसका लास्ट एपिसोड काइंड ऑफ बचा हुआ है, तो उसका हो सकता है मैं 1-2 घंटे बाद रिव्यू दूं। लेकिन सास बहू और फ्लेमिंगो जो है वो तो ओवर द टॉप है भाई, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि थारो पता है ओटीटी क्या होता है भाई। मतलब आजकल तो एकदम फैशन बन गया है गाली गलौज देना और एडल्ट थीम्स एक्सप्लोर करना, विच इज काइंड ऑफ हाउ कल्चर इवॉल्व्स। मतलब पहले हमारे, जब मैं बच्चा होता था, जब मैं छोटा बच्चा था, तब तो ऑन स्क्रीन किस वगैरह भी, मतलब आई रिमेम्बर कमल हासन ने शायद हे राम करके एक मूवी थी, उसमें किसी एक्ट्रेस को, आई डोंट रिमेम्बर द नेम सो आई वोंट टेक इट ड्यू टू लिबल इश्यूज, बट कमल हासन वॉज ऑल ओवर द मीडिया क्योंकि उन्होंने अपनी किसी मूवी में एक ऑन स्क्रीन किस कर दी थी। एंड आजकल तो भाई उसके बिना चलता ही नहीं है मामला। तो मामला थोड़ा अजीबो गरीब है, स्पेशली क्योंकि अब हमारी छोटी सी एक राजकुमारी भी है, जिसको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। हमारी आगे आने वाली जनरेशन, इनफैक्ट अभी भी जो यंग जनरेशन है, उनको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि देर इज बेरली एनी रेगुलेशन। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तो यहां तक मैं सीमित रखूंगा अपना क्रिटिक, और मैं आपको अभी बताता हूँ सास बहू और फ्लेमिंगो के बारे में। तो फ्लेमिंगो तो आपको पता है वो पिंक सी बर्ड होती है, इस टाइप की, ये तो बहुत छोटी छोटी चिड़िया हैं, लेकिन फ्लेमिंगो होती है वो लंबे टांग वाली और पिंक दिखने वाली। एंड लोग बोलते हैं कि वो जैसे शालो वाटर में एक टांग पे खड़े होके वो सैंडी बीचेस पे और सॉल्ट वाटर में खड़ी रहती है, इसीलिए वो पिंक हो जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ एक सर्टेन टाइप का एल्गे खाती है जिसके कारण से वो पिंक हो जाती है। बट इन चीजों का भी सास बहू और फ्लेमिंगो से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्लेमिंगो तो एक ड्रग है जो वो बनाते हैं, और वो भी ऐसा, स्पॉयलर्स अलर्ट, ऐसा चीज है जो साउथ अमेरिका के बाहर कभी कहीं आज तक उगाया ही नहीं जा सका है, कोई उसको उगा नहीं पाया है। लेकिन हमारे विख्यात कुख्यात जाने माने कलाकार, वो उनके लिए कोई भी इम्पॉसिबल चीज नहीं है, और उन्होंने ये कर दिखाया है इस शो में, इस शो की स्टोरी में। एंड कास्ट अच्छा है, आई विल से दैट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा, क्योंकि स्टोरी थोड़ी अजीबो गरीब है, इसीलिए सारी परफॉर्मेंसेस भी सटल नहीं है, बहुत एकदम शार्प है। कैच 22 का भी एक रेफरेंस है सेकंड एपिसोड में। तो कुल मिला के काफी खिचड़ी बनी हुई थी सास बहू और फ्लेमिंगो में, जैसा कि मुझे लगा। ऑफ कोर्स डिंपल कपाडिया इज ऑसम एक्स, एंड आई रिमेम्बर फ्रॉम माय चाइल्डहुड, मुझे याद आ रहा है कि रुदाली करके एक मूवी थी जो कि एज फार एज आई रिमेम्बर काफी डिप्रेसिंग थी, बिकॉज इट वॉज अबाउट द वुमेन हु आर हायर्ड टू वीप एट फ्यूनरल्स।
जब किसी की डेथ होती है तो उनके शोक स्मृति में रोने के लिए रुदालियों को बुलाया जाता है राजस्थान कल्चर में, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेम्बर, आई माइट बी रॉन्ग, बट यू नो दैट्स व्हाट कल्चर इज. यही मैंने शुरू में बोला था कि कल्चर हर जगह का मिला जुला के चलना चाहिए, क्योंकि भाई क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है. एंड हम बिहारी हैं, आप यू नो पंजाबी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, कश्मीरी हैं, यू नो तमिल हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू टेक थिंग्स इन द राइट स्पिरिट. ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी एक चीज होती है जिसको क्रिएटिव लोग काफी, एक मिनट अभी बचा है जो मैं आपको यूज करूंगा बस इस चीज के लिए, एनकरेज करने के लिए कि कीप एन ओपन माइंड. ऑफ कोर्स सेव योर किड्स फ्रॉम गेटिंग टू एक्सपोज्ड टू सेंसिटिव यू नो थिंग्स, एंड इट्स इनएविटेबल, होना ही है ये कि वो कभी ना कभी सेंसिटिव चीजों को देखेंगे, उनको आप नहीं तो उनके फ्रेंड ग्रुप में, पीयर ग्रुप में कुछ ना कुछ उन्हें दिखेगा ऐसा जो उन्हें समझ में नहीं आएगा, जो उनकी समझ के परे है उस टाइम पे. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्लेन इट टू देम इन कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा उन्हें बैकग्राउंड देके, थोड़ा उन्हें ओवरऑल वर्ल्ड व्यू देके समझाना पड़ेगा कि क्यों ऐसी चीजें जो कि बाय एनी स्टैंडर्ड्स अश्लील हैं, ग्रेटुइटस वायलेंस, इंटरकोर्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलीगल थिंग्स, तो ये सब चीजों का पोर्ट्रेयल जो होता है मीडिया में, और जिस तरीके से, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मास मीडिया, मास मीडिया तो बस हाइप करता है चीजों को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपनी एडवर्टाइजिंग रेट्स बढ़ाने के लिए, बट जब यही शोज में एक्सप्रेस होता है, सो यू हैव टू काइंड ऑफ लुक बिहाइंड द कैरेक्टर्स, बिहाइंड द स्टोरी, एंड सी द पॉइंट दैट द क्रिएटर इज ट्राइंग टू मेक, इफ दे आर ट्राइंग टू मेक एनी पॉइंट. अदरवाइज रैंडम चीजें तो भैया हम भी बनाने में माहिर हैं. और इसी होप पे हमारे 5 मिनट को अब मैं बढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस इसी चीज के साथ क्लोज करूंगा ये छोटा सा क्रिटिक ऑफ ओटीटी एंड सास बहू एंड फ्लेमिंगो. एंड आई होप यू विल स्मैश दैट सब बटन फॉर ऑसम एक्स फन, हैंग लूज. एंड आई एम अक्षत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अभी तक देखने के लिए आपका शुक्रिया. मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद. एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ. कमिंग अप इन अ फ्यू आवर्स टाइम द रिव्यू ऑफ द हार्ड. सो सास बहू एंड फ्लेमिंगो वॉज ऑन डिजनी प्लस हॉटस्टार, एंड एज अ पार्टिंग शॉट आई विल से डिजनी प्लस हॉटस्टार का नया इंटरफेस बिल्कुल ही निहायती वाहियात है. उन्होंने अमेजॉन प्राइम जिसपे दहाड़ है, और नेटफ्लिक्स जिसपे बहुत ही और अच्छे अच्छे शोज हैं, इन सब के कुछ कुछ फीचर्स लेके एकदम, जैसा कि मैंने सास बहू और फ्लेमिंगो के बारे में बोला, खिचड़ी पका दी है. और स्पेशली सबसे इरिटेटिंग तो मुझे वो लगता है कि उनका प्रीव्यू चलने लगता है तब, जब थंबनेल पे आपने मतलब काइंड ऑफ सेलेक्ट किया हुआ है तो पीछे से प्रीव्यू चलने लगेगा. यार मुझे नहीं देखना प्रीव्यू जब तक मुझे ना मन हो प्रीव्यू देखने का, तुम कौन होते हो मेरे ऊपर थोपने वाले. और इसीलिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार चलाने के टाइम पे मैं अपना टीवी ही म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि कम से कम वो आवाज नहीं आएगी तो थोड़ा सा, एंड इट्स अफेक्टिंग द लोडिंग टाइम ऑल्सो. सो इफ एनीबडी फ्रॉम द डिज्नी प्लस हॉटस्टार टेक टीम स्पेशली इज वॉचिंग दिस, भाई इट्स अ बैड आइडिया, और एटलीस्ट द एग्जीक्यूशन इज बैड. यू वॉन्ट डू समथिंग बेटर, आई गिव यू एन आइडिया. जब थंबनेल हो, उस थंबनेल में वीडियो चलनी शुरू हो, जब मैं उसको सेलेक्ट करूं तब जाके उसका प्रीव्यू खुले और साउंड के साथ आए. ये नहीं कि मैंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन किया और मुझे, मेरी पूरी फैमिली ने जितनी चीजें देखी हो उसके हिसाब से मुझे कुछ भी रैंडम आके उसका प्रीव्यू दिखने को लग गया. चलो ये रैंट खत्म करते हैं फाइनली, एंड थैंक्स वंस अगेन. नमस्ते, टेक केयर, स्टे सेफ इन दिस हैवी हीट, स्टे इंडोर्स, स्टे हाइड्रेटेड, पानी बहुत जरूरी है. चलिए खाइए पीजिए, मजे लीजिए, पैसा मैं क्या बोलता हूँ, हम मतलब मैं क्या बोलता हूँ, हम बिहार में बोलते थे पैसा खत्म पैसा हजम, पिक्चर खत्म पैसा हजम. आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट फ्रेजिंग, बट कभी ना कभी याद आएगी, हो सकता है मेरे दहाड़ के रिव्यू में याद आ जाए. सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट एज वेल, एंड सी यू लेटर.